सबके भाषण में 3 दिन तक सुना ही रहा है। एक बार मुझे मौका आया, मुझे डर लगा, पूरे हिंद में कह सकते कि नहीं, मैं सबका भाषण सुना। पहला बातचीत शुरू करूंगा जो लड़ाई लड़ रहा है नेता जी हमारे सुप्रीम कोर्ट से। हर वक्ता बोल रहा है किसान खतरा में है। आज हमारी देश में सुप्रीम कोर्ट, संविधान, विधानसभा, जितना संवैधानिक अनुष्ठान है वो सब किसान के खिलाफ है। जितना कानूनी देश में है, आप रिलीफ कोर्ट के बारे बोले, पेंशन के बारे बोले, सब जितना कानूनी बन रहा है सब किसान के खिलाफ बन रहा है। जो 3 दिन में भाषण सुना, मैं सुनने के बैठा यहाँ पर, जो हर एक प्रदेश के आदमी, हर एक प्रदेश का नेता किस प्रकार का सोच रखा है, उनका प्रदेश में उनका अप्रोच क्या है, जो ही अप्रोच हमारे प्रदेश में रखा है, मुझे खुश लगा। सब नेता की सेंटीमेंट एक ही तरफ है, हर नेता एक ही बात बोला। सिर्फ जो एक नौकरी आए पीएम ने, सबसे छोटे छोटे कर्मचारी नालको, पारादीप पोर्ट, एमसीएल, एनटीपीसी, जो नवरत्न को माने आए, उनके जो नौकरी कराए उनका सैलरी 60,000 है। हमारी प्रदेश में नेता थे, उनका नाम भागवीर दास है, वो जो 3 साल का पीछे आंदोलन करता है, वो एक सुझाव दिया है तो हमारा किसान को तो जो नीचे डाला डाला, एक काम करो, जो सरकारी नौकरियां है उनका का तनखा का 4 भाग से एक हिस्सा हमारा किसान के दे दे। आज हमारे ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हम बोल सकता है कि एक सरकारी कर्मचारी का 4 भाग तनखा को 1 भाग हमको दो। हमारा प्रदेश सारे हिंदुस्तान में एक ही प्रदेश है, जो ही प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीजू जनता दल मिलकर बोल लिया मार्च 25 हुई, मार्च 25 में विधानसभा में सर्वसम्मत संकल्प पारित किया कि धान का दर 2930 होना चाहिए। हमारे गौर में सारे हिंदुस्तान में कोई प्रदेश से, कोई विधानसभा से सर्वदल से प्रस्ताव नहीं हुआ है। हम 8 साल लड़ाई करके यही रास्ता तय किया है। ओडिशा विधानसभा हिंदुस्तान का पहला विधानसभा है जो प्रस्ताव दिया नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी तो धान का दर 2930 करना चाहिए। अखिल जी वो मेरे सबसे प्यारी नेता है, वो दिल्ली से आने का पहले 10 दिन कंटिन्यू नॉनसेंस से बैठता है। उनका साथ 187 फार्मर नॉनसेंस बैठा था, 5 ML बिजली अंतर गया, वो बोल लिया कि हमारे मंत्री स्तरीय कमेटी बनाएंगे, विधानसभा से प्रस्ताव पारित करेंगे एवं पेंशन देने के लिए मंत्री स्तरीय कमेटी फाइनेंस मिनिस्टर के हेड करके लिए कमेटी बनता है, हमारे साथ टॉस में काम आगे बढ़े, वही दावा करता है। सब लोग बोला है मैं महाराष्ट्र के जो किसान में जीता जो रही, पहला बार जो तमिलनाडु का साथी 1 साल का पीछे शुरू किया था, अभी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान सारी प्रदेश में किसान का जागरूक होता है। पंजाब के दादा से बैठ रहा है, कहीं तो भाषण दिया है, मेरा आग लगते है, मेरा भाषण देने इच्छा नहीं था, 3-4 गाना बोला पीछे पड़ा अपने। हर साल भाषण देता है, हजार हजार आदमी भीड़ होता है, आमना जी जितना बार ओडिशा गाते राकेश जी दिखा ले जिसको व्हाट्सएप फोटो है, हर मीटिंग में 10,000-5,000 आदमी हुआ थे, कभी छोटा मीटिंग नहीं हुआ। सिर्फ 2 मिनट बात करें, किस बात करेगी, जो जितना किसान है वो आए और प्रदेश से उनका मन में गुस्सा के तहत हर आदमी जानते महाभारत के बारे, रामायण के बारे बहुत बातचीत हुआ है। खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध प्रेरित करने के लिए कितना मेहनत की, बहुत बुलाया अर्जुन तू युद्ध लड़े, युद्ध में तू हारेगा, तू क्षत्रिय धर्म पालन करे, युद्ध में हार जाएगी तो स्वर्ग में जाएगा, जो युद्ध जीतो सारी राज्य आपको मिलेगा। इतना बुझाया, इतना समझाया, अर्जुन का गुस्सा नहीं आता है। वो पूरा धन को छोड़कर बैठ गया, वो तो भीष्म द्रोण सारी बड़ा लोग के कैसे लड़ू। स्वयं श्री कृष्ण ने बात किया, चाहे किन्नर है उनको इतना बात बोलना है कि बात उनका को उनका घर भी नहीं आता है, छत नहीं उड़ाता है, ये काम करना चाहिए, उनका के बेटे को मारना चाहिए। वो सही किया, तो सुभद्रा का बेटे अभिमन्यु
जब उनका निधन हो गया जो अर्जुन इतना बात करता है भीष्म पर कहने अस्त्र चलाओ वो मेरे प्यारी कुटुंब के उनके कैसे मारो जो बैठता उनका अपना बल आ गया। अर्जुन लड़ता है भीम था ए भाई भीम तू था मेरे बेटे को कैसे मारा मैं सबको तट दिया बात उगाल दिया। जो अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण का बात में लड़ने के बाद नहीं होता है जिस वर इनका व्यक्ति का निधन हो गया वो खुद पर आ गया बोल दिया आज शाम का सुबह चौधरी का मारे जब चौधरी का निधन कर नहीं सकते मैं खुद आत्मविश्वास है और सारे हिंदुस्तान में 3 लाख किसान मर रहा है फिर भी हरियाणा पंजाब में ईमानदार आदमी है जो बाहुबली आदमी है मजबूत आदमी है गुस्सा गई। नरेंद्र मोदी जो चाय वाला प्रधानमंत्री कितना ड्रामा करता है उस चाय वाला प्रधानमंत्री के पास हमारा आवाज पहुंच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जो सत्ता में बैठने वाला आदमी वो साले सब दुर्योधन है। दुर्योधन को क्या चाहिए दुर्योधन को जो पहले श्री कृष्ण के पास गया बोले दुर्योधन उनका 5 बना दे राजी नहीं हुए पूरी तो हस्ती न गई खुद अपना बेटे लक्ष्मण द्वार सबको धर के रक्त नदी संग्रहण पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अन्ना जी ने स्वयं बोले रामनवमी काल था रामचंद्र की बनीवाद क्या है वो क्या पुमर्शा पुरुषता है वो जो बात कहता है वो बात के रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा किसान द्रोही मंत्री है हिंदुस्तान में वो जो मनमोहन सिंह ये कैसे गिना मोदी जी स्वयं आडवाणी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते तू कैसे प्रधानमंत्री नहीं बने वही लाल किला में अन्ना जी का आंदोलन हुआ और कांग्रेस के खिलाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ आप सत्ता पे गया भूल गई अभी तुम्हारा पाली है। वो मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री था वो जितना दिन शासन किया उनका मन में 100 था किसके लिए विजय माल्या के लिए विजय माल्या का कंपनी जिस दिन दिवालिया हो गया मनमोहन सिंह का मथा चल गया बड़ा व्यस्त हो गया स्टेट बैंक को बुलाया उनको 6,500 कोटी फाइनेंस कर दो दे दिया उनका सरकार में विजय माल्या और इनका सरकार में नीरव मोदी और विजय माल्या के लिए वो पुलिस नहीं है किसके लिए हमारे लिए इतना पुलिस सुप्रीम कोर्ट संविधान विजय माल्या नीरव मोदी का क्या किया है नीरव मोदी के सीबीआई वाले फोन किया नीरव मोदी देश लूट रहा है क्या बोला क्या आपका बाद में जाओगे मेरे जैसे सुविधा होगा हम जाओगे मैं बोलता है मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा किंतु कहा जो हमारा मीडिया भाई ने उनको कुछ हर बोलता है आदमी क्यों नहीं आता है नौजवान का है नौजवान से है राजा रामन में एक छोटी बात लिखा है इट इज ए ट्रेजेडी इन हिस्ट्री दैट ट्रूथ विल स्टार्ट इन माइनॉरिटी इतिहास में आगे दुखदायक घटना से जो सत्य की लड़ी है उनका पक्ष में अल्पसंख्यक रहता है वो पांडव है राम लखन में हनुमान है। हमारा प्रदेश में आज में आदि मार रहा है कल राकेश जी बढ़ जाए गुंडा जी बढ़ जाए 29 तारीख में जो बड़े समावेश है मोदी का नींद उठाने के लिए हमारा ओडिशा से 1,000 से ज्यादा आदमी सब मिलकर नवनिर्माण संगठन रहे वादा में संगठन से रखा है सबके नमस्कार है जय किसान जय श्री कृष्ण जिंदाबाद।